एक समय की बात है एक छोटी लड़की जिसका नाम लिली था एक छोटे से गांव में रहती थी जो एक विशाल जंगल के किनारे पर स्थित था लिली को खोजबीन करना बहुत पसंद था और एक दिन उसे जंगल में एक छिपा हुआ रास्ता मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था उत्सुकता से वो उस रास्ते पर चल पड़ी और जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई जहां उसे लताओं से ढका हुआ एक फाटक मिला लिली ने लताओं को हटाया और देखा कि फाटक पर एक पुराना जंग लगा ताला लगा हुआ था जैसे ही वो वापस जाने वाली थी ऊपर की शाखाओं से एक छोटी चाबी नीचे गिर गई उसने उसे उठाया और उसकी आश्चर्य की बात ये थी कि चाबी ताले में बिल्कुल फिट हो गई उसने चाबी घुमाई और फाटक चरचराते हुए खुल गया और उसके सामने सबसे सुंदर बगीचा प्रकट हो गया जिसे उसने कभी देखा था बगीचा हर रंग के फूलों झिलमिलाते झरनों और हर प्रकार के स्वादिष्ट फलों से लदे पेड़ों से भरा हुआ था जब लिली बगीचे में घूम रही थी तो उसने एक छोटे से बौने को एक मशरूम पर बैठे हुए देखा बौना मुस्कुराया और कहा परियों के बगीचे में आपका स्वागत है लिली यह एक ऐसी जगह है जहां दयालुता और साहस की सराहना की जाती है लिली आश्चर्यचकित थी आप मेरा नाम कैसे जानते हैं उसने पूछा बौना हंसते हुए बोला ये बगीचा हर उस व्यक्ति को जानता है जो इसमें प्रवेश करता है लेकिन केवल वही लोग जो एक शुद्ध दिल रखते हैं चाबी पा सकते हैं यहां की सुंदरता का आनंद लें लेकिन याद रखें कि आपको हर परिस्थिति में दयालु और साहसी रहना है जैसे ही लिली आगे बढ़ी उसने एक उदास दिखती गिलहरी को एक चट्टान पर बैठे हुए देखा जो एक टूटा हुआ अखरोट पकड़े हुए थी क्या हुआ छोटी गिलहरी लिली ने पूछा मेरा अखरोट टूट गया है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है गिलहरी ने जवाब दिया गिलहरी की हालत देखकर लिली ने उसे कुछ जामुन दिए जो उसने पहले तोड़ रखे थे गिलहरी की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने उन जामुनों को आभारपूर्वक स्वीकार किया अपनी यात्रा को जारी रखते हुए लिली ने एक पक्षी को कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ देखा उसने सावधानीपूर्वक उसे आज़ाद किया और उस पक्षी ने उसे मीठे गाने के साथ धन्यवाद दिया बाद में जब वो बगीचे के, के केंद्र में पहुंची तो उसने एक चमचमाती हुई झील देखी और उसमें एक सुंदर चांदी की मछली को चट्टानों के पास फंसी हुई और सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए देखा लिली ने तुरंत मछली को उठाया और उसे गहरे पानी में वापस रख दिया मछली धूप में चमचमाती हुई तैरने लगी और खुशी से पानी से बाहर कूद गई अचानक बगीचे में एक तेज रोशनी फैल गई और बोना फिर से दिखाई दिया ताली बजाते हुए लिली उसने कहा बगीचे के जीवों के प्रति तुम्हारी दयालुता के कारण तुमने एक विशेष उपहार अर्जित किया है बोने ने लिली को बीजों से भरी एक छोटी थैली दी इन्हें जहाँ चाहो बो और एक सुंदर बगीचा खिलेगा याद रखो जैसे ये बीज दयालुता भी तब बढ़ती है जब इसे साझा किया जाता है लिली ने बोने को धन्यवाद दिया और जादुई बीजों के साथ घर लौट आई उसने उन्हें अपने गांव में बोया और जल्द ही वहां भी एक बगीचा उगाया जो बिल्कुल परियों के बगीचे जैसा ही सुंदर था गाँव खुशहाल हो गया और वो बगीचा एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग उसकी सुंदरता का आनंद लेने और एक दूसरे के साथ दयालुता साझा करने के लिए आते थे कहानी की सीख दयालुता हमेशा खिलने का रास्ता ढूंढ लेती है और दूसरों में खुशी फैलाती है जब आप दयालु और साहसी होते हैं तो आप दुनिया को और भी सुंदर बना देते हैं